पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की 10 दिनों की ईडी कस्टडी रिमांड शुक्रवार को खत्म होने के बाद उसे ईडी की स्पेशल कोर्ट पे पेश किया गया। ईडी स्पेशल कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की कस्टडी रिमांड 5 दिन और बढ़ा दी। ईडी की अधिवक्ता की तरफ से 5 दिन की और कस्टडी रिमांड देने की अर्जी दी गई थी, जिसे सेशन जज संतोष राय ने मंजूर कर दी। अब मुख्तार अंसारी 27 दिसंबर तक ईडी की कस्टडी में रहेगा। ईडी के सब जोनल ऑफिस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी की पेशकारी हुई और ईडी के अधिवक्ता ने बताया कि मुख्तार अंसारी पूछताछ में ज्यादा सहयोग नहीं कर रहा है। अर्जी में कहा गया कि कुछ अन्य तथ्यों पर मुख्तार अंसारी से पूछताछ करना बाकी है। हालांकि मुख्तार अंसारी के वकीलों ने कस्टडी रिमांड बढ़ाए जाने का विरोध किया, जिसके बाद ईडी स्पेशल कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद 5 दिन कस्टडी रिमांड बढ़ा दी।